हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के तहत, चूंकि संस्कृत का आपका क्रैश कोर्स यहां पर चल रहा था। मैथमेटिक्स काफ़ी दिन हो गया है मैंने उसकी वीडियोज़ आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो बिल्कुल से परेशान ना होइए, एक साथ में ही सारे आपको इकट्ठे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। यहां पर आपका मैं समास के बारे में बात कर रहा था, तो द्वंद्व समास को आज हम यहां पर पढ़ के पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो पूरी तरीके से CTET या UPTET की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो आप लोगों के लिए प्लस क्लासेस लेकर के आया है। यहाँ पर आप जा करके मिनिमम फीस को पे करके जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, उनको आप पढ़ सकते हो। आपको मैं बता दूं, दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, आपको जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। सब सारा कुछ PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। वीकली क्विजेज होती हैं आपकी और मेगा क्विजेज होती हैं इसमें। साथ में अगर मैं बात करूँ, आपके एडवर्टीजमेंट्स भी जो बीच में आते रहते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स भी आपके एड फ्री लेसन्स होते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर आप बेनिफिट्स को पढ़ पा रहे होंगे, नए नए कोर्सेज हर एक महीने आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं यहाँ पर सामाजिक अध्ययन और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेट सब्सक्रिप्शंस के लिए कितने कितने आपको पैसे पे करने हैं। अगर मैं बात करूँ एक महीने वाले कोर्स को लेकर के, तो मेरा कोड है स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो कोड लिखा हुआ है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर के चीज़ों को देख सकते हो। उसको अप्लाई करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन, STUFFS ONLINE, ठीक है, ये कोड है। और बाकी आप देख सकते हो छमाही का और सालाना का कितना इसमें जो है एक तरीके से फीस रखी गई है, मिनिमम अमाउंट है जब आप ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर करोगे तो। और यहाँ पर आपको जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, ऐसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर जो है पढ़ाते हुए मिलेंगे पूरी तरीके से। तो एक बार आप इस कोर्स को ज़रूर एक बार देखें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर एक बार चेक करें कि क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। और कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है, सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। चलिए द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या एवं लगता हो, योजक चिन्ह की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, आपका योजक चिन्ह ये होता है, बीच में जो हाइफन लगाते हो आप, बिल्कुल वही योजक चिन्ह है आपका। तो होता ये है कि बीच में ये लगा हुआ होता है, और जब आप विग्रह और विग्रह करने पर, जब आप विग्रह करोगे ना, तो और या एवं ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रकार या भेद को लेकर के, कि कितने भेद या प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। क्या है, तीन प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार होता है, और वैकल्पिक करके बोलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सूचक एक तरीके से जिसको बोलेंगे। सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व के बारे में अगर बात करें, तो दो या दो से अधिक पदों का परस्पर संबंध जो बता रहा हो, ठीक है, वो आपका इतरेतर द्वंद्व आएगा। देखिएगा, परस्पर संबंध बताए, माता और पिता, ठीक है, माता पिता, माता पिता के बीच में देखिए हाइफन लगा हुआ है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। इसी को आप योजक चिन्ह बोलते हो, जब आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर ये चीज़ देखी होगी। भाई बहन, भाई और बहन हो गए, राजा रानी बोला तो राजा एवं रानी हो गए। देखिएगा, और या एवं, यही शब्द आपके जो है देखने को मिलते हैं जब आप द्वंद्व समास की बात करते हो, ठीक है। समाहार द्वंद्व की बात कर लेते हैं, जो दूसरा प्रकार है इसका। ये कहता है जिस समास से उसके पदों में अर्थ के अलावा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, ध्यान दीजिएगा, वो आपका जो है समाहार, बिल्कुल वैसा ही जो है। तो समाहार द्वंद्व समास आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहा भूल चूक सेठ साहूकार, भूल चूक मतलब वही निकल करके आ रहा, बोलते वही वो, सेठ बोले साहूकार बोले मतलब वही निकल करके आ रहा है, साहूकार से भी सेठ से भी, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि जिस समास से उसके पदों में अर्थ के अलावा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वैकल्पिक द्वंद्व की बात कर लेते हैं, जिसमें समास विग्रह में दो या दो से अधिक पद अथवा आदि, इसमें लिखा अथवा आदि विकल्प सूचक वाक्य देखने को मिले। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला भला बुरा, भला या बुरा कह दिया, दो या दो से अधिक पद या अथवा, ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है, एक तो या है और एक क्या है आपका, अथवा है, ये दोनों शब्द। तो पाप पुण्य क्या हो गया, पाप या पुण्य करके बोलते हो। यहीं पर आगे लिखा हुआ है, देखिएगा इसको, समस्त पद में और विग्रह में या विग्रह के अर्थ में क्या लिखा है भाई, अन्न जल करके, तो अन्न और जल हो जाएगा, अमीर गरीब में अमीर और गरीब हो जाएगा। राजा रंक में क्या हो जाएगा, इसको आप खुद से कर सकते हो, जी हाँ, राजा और रंक, ऊंच और नीच वाली बात, सीता और राम,
रात दिन दाल भात करके लिखा है, सुख दुख है, राधा कृष्ण है, माता पिता है, राजा प्रजा है। ये सारे सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सामने हैं जब आप बात करते हो किसके बारे में, वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में। आशा करते हैं कि आपको द्वंद्व समास में यही था दोस्तों पूरी तरीके से कि आप किस तरीके से दोनों पद प्रधान आपको देखने को मिलते हैं। भाई प्रधान मतलब क्या हुआ, रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, मतलब वो भी मुख्य है, वो भी मुख्य है, माता में माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यही आपका द्वंद्व समास होता है। जब भी आपको हाइफन लिखा हुआ देखने को मिले, लगे कि दोनों आपके प्रधान वाक्य देखने को मिल शब्द देखने को मिल रहे हैं, आपका वो द्वंद्व समास के तहत देखने को मिलेगा। इसमें अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस आपकी होती हैं डेली, मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी कल परसों या होप सो उसके बाद भी एक दिन, तीन दिन, लगभग दो दिन तो बिल्कुल मान के चलिए क्लासेस आपकी लाइव नहीं होंगी, आज होगी, ठीक है, उसके बाद दो दिन नहीं होंगे, तीसरे दिन जैसा होगा मैं आप लोगों को इतना इन्फॉर्म कर दूंगा। वन लाइनर मैं पूरी तरीके से जो है बस समझिए कंप्लीट है, मैं जल्दी ही उसको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और एक बार प्लस वाला जो मैंने बताया है उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा जा करके, काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं उसके, आप ही के जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परचेज किया हुआ है, सालाना वाले कोर्सों में उन्होंने एनरोल किया हुआ है। तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया तब तक के लिए।